तो आइए अब सीखते हैं एनिमल सेल का डायग्राम। एनिमल सेल के डायग्राम बनाने के लिए आपको जो शुरू में शेप बनानी है वो एक तो अंडे के आकार में नहीं बनानी बिल्कुल, और एक बिल्कुल स्क्वायर भी नहीं बनानी। आपको जो शेप बनानी है वो थोड़ी फ्लैट यानी कि चपटे आकार में बनानी है, साइड से वो थोड़ी सी राउंड गोल होएगी। तो एनिमल सेल बनाने के लिए आपका जो बाहर से स्ट्रक्चर होएगा वो कुछ कुछ इस तरीके से होएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ी सी फ्लैट राउंड है, ये थोड़ी सी गोलाकार में, यहाँ से दोबारा से फ्लैट है। इस तरीके से आपको बनानी है बाहर। इसका नाम होएगा सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद बनाना है आपको उसका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, जो कि होता है सेंटर में, सेंटर के बिल्कुल सेंटर में एक और बीच में गोला बनाना है जो केंद्रक के अंदर होती है, केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस। इसके बाहर आपको धागे जैसी कुछ संरचनाएं बना देनी है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो अब हम कुछ पार्ट इसके बना चुके हैं। बाहर कुछ और ऑर्गन होते हैं न्यूक्लियस के बाहर, उनको भी हम बनाएंगे, जैसे कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एनिमल सेल का, इस तरीके से बना करके और उसमें इस तरीके से बना देंगे, इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, यानी कि कोशिका का ऊर्जागर शक्तिगर माइटोकॉन्ड्रिया एक से ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए हम कुछ और बना देंगे, दो तीन माइटोकॉन्ड्रिया बना देंगे। इसके अलावा कौन कौन से भाग होते हैं एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका में, वैक्यूल्स, रिक्तिकाएँ होती है, खाली जगह होती है, उसके लिए आप एक दो या तीन कितनी भी रिक्तिकाएँ अलग अलग जगह पर कुछ छोटे बड़े आकार की बना सकते हो। इनको ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना क्योंकि वैक्यूल्स ज़्यादा बड़ी नहीं होती एनिमल सेल के अंदर। आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एनिमल सेल का साइटोप्लाज्म यानी कि गोंद जैसा जली लाइक स्ट्रक्चर, उसके लिए आप क्या करेंगे इस तरीके से इसको भर देंगे, फिल कर देंगे। इसके अलावा इसमें एक और ऑर्गेनल होता है जो न्यूक्लियस के ऊपर होता है जिसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी, जिसका स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे गोल्जी बॉडी। ये दोबारा से रिवाइज करके देखते हैं और नाम लिखते हैं अच्छे से। सबसे बाहरी स्ट्रक्चर का नाम था सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद खाली जगह जो थे उनका नाम क्या था, वैक्यूल्स, VACULE, वैक्यूल, बहुत सारे हों तो वैक्यूल्स। अभी बताया था रिसेंट इस पार्ट का नाम क्या है, गोल्जी बॉडी, GOLGI गोल्जी, BODY गोल्जी बॉडी। सेंटर में जो पार्ट है उसके बाहर जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और ये जो पार्ट है उसका नाम, पूरे का नाम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। इस पूरे पार्ट का नाम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। और इसके अंदर बिल्कुल सेंटर में, न्यूक्लियस के भी सेंटर में जो पार्ट है उसका नाम क्या बताया था आपको, न्यूक्लियोलस, NUCLE, NUCLEUS, न्यूक्लियोलस। अब इसके बाद जो सबसे मेन पार्ट है जो बहुत ही ज़्यादा फिल होता है, भरा होता है कोशिका के अंदर, सेल के अंदर, जेली लाइक स्ट्रक्चर, उसका नाम था साइटोप्लाज्म, उसका नाम था साइटोप्लाज्म। एक और रह गया पार्ट ऑर्गेनल जो कि शक्तिगर है, ऊर्जागर है, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और लगभग पार्ट हम कर चुके हैं, तो ये है डिफरेंट पार्ट ऑफ द एनिमल सेल, यानी कि सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर, वैक्यूल खाली जगह, गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस के ठीक ऊपर बनानी है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन सेंटर में बाहर, उसके अंदर न्यूक्लियोलस, आप क्रोमोसोम का नाम भी लिख सकते हो इसके अंदर, क्रोमोसोम न्यूक्लियस में ही होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया शक्तिगर पावर हाउस, उसके बाद वैक्यूल्स खाली जगह बता चुके हैं, और ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म जो कि फिल होता है, जाली लाइक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म। ये डायग्राम है आपके एनिमल सेल का।